हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने मंगाया है अपना नया डाटा केबल। मेरा पुराना डाटा केबल टूट चुका था, आप देख सकते हैं। ये यूवॉर्न का था और 250 रुपये के आसपास पड़ा था और करीब 4 से 5 महीने चला और यहाँ से टूट चुका। सारा वायर यहीं से टूटता है लगभग, वायर आप देख सकते हैं। इधर क्वालिटी ठीक है और यहाँ पे जॉइंट पे ही टूटा है। तो मैंने एक MI का नया डाटा केबल मंगाया है और इसका प्राइस मुझे पड़ा 299, आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा है, आपको दिखाते हैं। तो देखते हैं, ये रहा। काफ़ी ठीक क्वालिटी है इसका। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जॉइंट काफ़ी अच्छी तरीके से है। और आई थिंक मुझे लग रहा है इससे, जो मैंने पुराना वाला यूज कर रहा था उससे काफ़ी अच्छा वायर है। इसमें ऊपर एक प्लास्टिक का ही कवर था, लेकिन इसके ऊपर आप महीन धागा का देख सकते हैं, रेशम का कवर किया हुआ है, जो उससे बेहतर है। और ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। आप मंगा सकते हैं इसको, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं 299 रुपये में। और मैंने इससे पहले और एक MI का यूज कर रहा था, वो ये था, ये 199 का है। इसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, ये भी अभी चल रहा है। लेकिन मैंने एक और तार मंगाया, वायर मंगाया था ये वाली। तो इसका क्वालिटी और इसका क्वालिटी में बात करें तो 199 और ये 299, दो मुझे ये 299 का क्वालिटी काफ़ी बेहतर लगा। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और मुझे लगता है कि ये इसका लाइफ भी काफ़ी लॉन्ग होगा, क्योंकि इसका फिनिशिंग और इसका फिनिशिंग आप देख सकते हैं, इसका ज़्यादा बेहतर फिनिशिंग है। तो मैं दोनों का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप दोनों में से कोई भी मंगा सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा वायर है, मैं इसे भी पिछले 6 महीने से यूज कर रहा हूँ और अभी भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में आप देख सकते हैं दोनों साइड। और ये भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और ये भी, दोनों। तो अगर दोनों में से मुझे बेहतर का बात करें तो ये ब्लैक, ये मुझे काफ़ी बेहतर लगा, 299 वाला। और इसका दो कलर आता है, एक रेड और ब्लैक, वायर रेड रहता है और यहाँ पे ब्लैक, और एक ये पूरे ब्लैक। तो मैंने पूरे ब्लैक वाला लिया है, आप देख सकते हैं। तो थैंक्स, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।